नमस्कार साथियों, मध्य प्रदेश की अगली क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग मध्य प्रदेश की भौगोलिक संरचना का अगला हिस्सा, भौगोलिक संरचना के अंतर्गत हम लोग आज देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश की प्रमुख भौगोलिक चट्टानें कौन कौन सी हैं और इन चट्टानों की प्रकृति कैसी है। इसी आधार पर, इन्हीं चट्टानों के आधार पर मध्य प्रदेश के इन्हीं भागों की मृदाओं का निर्माण भी हुआ है उसी प्रकार से। तो इस सेक्शन के बाद हम लोग यह समझ पाएंगे कि मध्य प्रदेश के कौन से भाग में किस प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं, और मृदा वाले सेक्शन के लिए भी ये टॉपिक ज़रूरी होता है कि हम आगे जब मृदा पढ़ेंगे तो हम वहाँ की मृदा की प्रकृति समझ पाएंगे। ठीक है, तो संरचना के अंतर्गत हम लोग शुरू करें। ये पूरा मध्य प्रदेश आपका बना हुआ है। मध्य प्रदेश में यदि इस पूरे मैप को देखें तो ये उत्तर से दक्षिण की ओर देख सकते हैं या पूरब से पश्चिम कहीं से भी शुरू कर सकते हैं। तो सबसे पहले आइए हम लोग ये परिचय करा दें कि मध्य प्रदेश का मैप है, छाया बनाया गया है, बहुत सारे इनका मतलब है, संकेत, और वो संकेत जो है इधर दे दिए गए हैं। तो पहले हम लोग संकेतों को समझ लेते हैं, फिर शुरू करते हैं। संकेत में इस तरह से जो डॉट डॉट थोड़ा सा बड़ी लाइनें हैं वो तलछटी, लैटराइट, जलोढ़, मृदा है। इसके बाद जो ये इस प्रकार से जो तिरछी लाइन है ब्लू में, ये तलछटी बलुआ पत्थर को इंडिकेट करता है। इस प्रकार से जो चौकोर ब्लैक बना हुआ है, चौकोर ब्लैक, जैसे कि मध्य प्रदेश के मैप में हम लोग चौकोर ब्लैक देखेंगे तो इस प्रकार से, तो ये व्यक्त करता है किसको, परतदार चट्टान शिष्ट को व्यक्त करता है। इस प्रकार के दो लाइनें या एक लाइन में सीधी लाइनें ब्लू से जो बनी है वो अखंडित क्रिस्टली शैल को दर्शाता है, जैसे कि यहाँ पे है। ठीक है, और यहाँ पर है, यहाँ पर है। ठीक है, अगला जो सिंबल है वो है एकदम ब्लैक में छाया किया हुआ भाग, ग्रेनाइट लावा टफ और टफ सहायक को दर्शाता है। ये इस प्रकार से ये जो आपका छतरपुर और टीकमगढ़ का हिस्सा है वो वाला क्षेत्र है। इसके बाद लाइन के ऊपर डॉट डॉट, लाइन के ऊपर डॉट डॉट वाला बिंदु जो दिखा है वो लावा चट्टानों को दर्शाता है। इस प्रकार की चट्टानें जो है वो यहाँ पे बनी हुई हैं इस प्रकार से। हाँ, ये बना हुआ है मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्वी कोने में। ठीक है, तो ये लावा चट्टानों को दर्शाता है। इसी प्रकार से स्लेटी पत्थर को दर्शाने वाला ब्लू में एकदम गाढ़ा किया हुआ छायांकित प्रदेश है, एक प्रकार से यहाँ और ये बना हुआ है। ठीक है, तलछटी स्लेटी पत्थर को दर्शाने वाला जो चित्र है वो हमने डॉट घेरे में बना रखा है, ये वाला चक्राकार ये घेरे बना रखे हैं। ठीक है, इसी प्रकार से मध्य प्रदेश में जो तलछटी स्लेट क्वार्टिजाइट पत्थर है उसको हमने प्लस में दर्शाया है। दो तीन जगह ही पाए जाते हैं, एक तो ये वाला नीमच का उत्तरी क्षेत्र है और दूसरा रीवा वाला क्षेत्र है जहाँ क्वार्टिजाइट पाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा जो है वो बेसाल्ट लावा और टफ सहायक का पूरा ये मालवा वाला क्षेत्र आपको ब्लैक और ब्लू लाइन में सीधी लाइनों में, तिरछी लाइनों, सीधी क्षैतिज लाइनों में दिखाई देगा। ठीक है, तो ये आपका सिंबल का परिचय हुआ। अब आते हैं हम लोग, देखते हैं कि कौन सा सिंबल वाला क्षेत्र कहाँ पाया जाता है। सबसे पहले ये पूरा का भिन्न मुरैना वाला क्षेत्र आपको दिख रहा है, यहाँ जो है तलछटी लैटेराइड और जलोढ़ मृदा पाई जाती है चंबल नदी के कारण। चंबल नदी के कारण, अभी पिछले वाले मैप में हमने पढ़ा था कि ये अधिनूतन है, अधिनूतन प्रकार की मृदा है ना, मतलब अधिनूतन चट्टानें पाई जाती हैं, मतलब इनका निर्माण नवीनतम समय में हुआ है। और नवीनतम समय में हुआ है तो किससे हुआ है, जलोढ़ से हुआ है, मतलब चंबल नदी के प्रवाह क्षेत्र के कारण हुआ है। ठीक है, तलछटी है तो नदियों का तलछट होता है, तो किस नदी का तलछट है, यहाँ चंबल का तलछट है। ठीक है, लैटेराइड है, लैटेराइड मिट्टी की प्रकृति है। लैटेराइड कैसे हो जाती है, जब किसी मृदा में पानी की मात्रा ज़्यादा होती है और उसमें निक्षेप कैल्शियम आदि पदार्थों का निक्षेपण हो जाता है तो मिट्टी कठोर लैटेराइड हो जाती है। तो इस प्रकार से यहाँ लैटेराइड प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं। ये इस प्रकार की मिट्टी मध्य प्रदेश में और कहाँ पाई जाती है, तो इस प्रकार की मिट्टी मध्य प्रदेश के दक्षिणी किनारे पे, दक्षिण पूर्वी किनारे पे छिंदवाड़ा बालाघाट और ये आपका बालाघाट छिंदवाड़ा साइड में, सिवनी साइड में थोड़ी सी एक बेल्ट पाई जाती है जो किस प्रकार की है, लैटेराइड जलोढ़ प्रकार की ही मृदा है। ठीक है, अगले में आते हैं। अगला हिस्सा जो है ये आपका शिवपुरी वाला हिस्सा जो है, बीच में ग्वालियर का कुछ हिस्सा शामिल है, तलछटी बलुआ पत्थर वाला मैदान है, मतलब यहाँ की जो ऊपरी मिट्टी है या भूपर्पटी है वो तलछटी बलुआ पत्थर की है। तलछटी बलुआ पत्थर का एक क्षेत्र आपको यहाँ पूरा देखने को मिलता है, अशोकनगर, गुना, ग्वालियर का कुछ हिस्सा, शिवपुरी का हिस्सा, इधर कुछ राजगढ़ का हिस्सा भी इसी में आता है। ठीक है, इसके साथ साथ ये हिस्सा आपको कहाँ देखने को मिलता है, तलछटी बलुआ पत्थर वाला
पूर्वी क्षेत्र में देखने को मिलता है, सतना, रीवा, पन्ना, दमोह, यहाँ आपको ये देखने को मिलता है, ठीक है। इसके अलावा जो है तो इसके बाद हम लोग देखते हैं तीसरा जो है परतदार चट्टाने हैं, शिष्ट है, तो परतदार चट्टाने सिर्फ जो है तो मध्य प्रदेश के ठीक पूर्वी पठार में सीधी और सिंगरौली जिलों के कुछ हिस्सों में पाई जाती है, ठीक है, और इसके अलावा ये क्षेत्र कहीं नहीं है। आगे जो है तो अखंडित क्रिस्टली शैल या नीच वाला जो क्षेत्र है वो कई जगह है मध्य प्रदेश में, एक तो ये आपका अलीराजपुर वाला क्षेत्र है, दूसरा आपका यहाँ पे खंडवा खरगोन के उत्तर में है कुछ क्षेत्र है यहाँ पे, ठीक है, तीसरा जो क्षेत्र है आपका ये यहाँ इस वाले क्षेत्र में होशंगाबाद के दक्षिण में बैतूल वगैरह में, ठीक है, और हो गया ये थोड़ा सा हिस्सा यहाँ पे होशंगाबाद और शिवनी बैतूल आपका छिंदवाड़ा जिला वगैरह होगा, ठीक है, तो यहाँ पाया जाता है, ठीक है। अगला हिस्सा जो है वो ग्रेनाइट लावा टफ और सहायक का है, तो पूरा आपका जो टीकमगढ़ है, टीकमगढ़ और छतरपुर का कुछ हिस्सा, मतलब टीकमगढ़ छतरपुर का जो हिस्सा है वो आपका ग्रेनाइट लावा और टफ सहायक, टफ मतलब कठोर चट्टानों से बना हुआ है, कठोर टफ सहायक से बना मतलब कठोर चट्टानों से बना है, तो ये आपका ग्रेनाइट लावा और टफ। आपसे यदि ये क्षेत्र देखें तो मध्य प्रदेश में ये एक ही क्षेत्र है, पूरा बुंदेलखंड का छोटा सा ये हिस्सा जो ग्रेनाइट लावा टफ सहायक से बना हुआ है, ठीक है। ग्रेनाइट से बना हुआ क्षेत्र यदि देखा जाए मध्य प्रदेश में तो वो एक ही क्षेत्र, लावा है लेकिन ग्रेनाइट से यदि देखा जाए तो वो एक ही जगह पर, ठीक है। इसके बाद लावा चट्टान मध्य प्रदेश के दक्षिणी हिस्से में पाई जाती हैं, ये वाला हिस्सा एकदम जो पूरा का पूरा मंडला वगैरह है, हाँ ना, तो यहाँ पर पाया जाता है मंडला वाला घाट या दक्षिण पूर्वी किनारा वाला हिस्सा जो है ये लावा चट्टानों से बना हुआ है। स्लेटी पत्थर की बात करें तो एक स्लेटी पत्थर यहाँ धार के आसपास पाया जाता है, दूसरा स्लेटी पत्थर जो है वो आपका थोड़ा ये ग्वालियर और दतिया भिंड के पास पाया जाता है हल्का, ठीक है, तो यहाँ आपका स्लेटी पत्थर पाए जाते हैं। अगला जो है वो है तलछटी स्लेटी पत्थर मुख्य रूप से आपका पन्ना और दमोह में पाया जाता है, यहाँ पर तलछटी स्लेटी पत्थर का निर्माण हुआ है जो मुख्य रूप से सीमेंट बनाने में काम आता है, ठीक है, कटनी वगैरह भी होगा। इसके बाद जो है तो क्वार्टरजाइट पत्थर का केवल दो क्षेत्र है, एक तो रीवा क्षेत्र है, रीवा में पाया जाता है, और दूसरा जो है तो नीमच का उत्तरी हिस्सा है, ठीक है। इसके अलावा जो है तो बेसाल्ट लावा और टफ सहायक से बना हुआ पूरा का पूरा आपका मालवा है, और कुछ हिस्सा जो है आपका वो अनूपपुर का है, ठीक है ना, यहाँ पे शहडोल अनूपपुर का हिस्सा, डिडोरी का हिस्सा कुछ, ठीक है, वही हिस्सा यहाँ है जो किससे बना हुआ है, बेसाल्ट लावा और टफ सहायक मतलब कठोर सहायक पदार्थों से मिलकर बना हुआ है। तो कुल मिलाकर के ये मध्य प्रदेश के ये चट्टानों की प्रकृति है, चट्टानों के प्रकार हैं, जिस प्रकार से इन्हीं चट्टानों के ऊपर मिट्टियों का या मृदाओं का निर्माण हुआ है। तो सबसे पहले भूगर्भिक इतिहास हम लोगों ने देखा, भूगर्भिक इतिहास में हमने देखा कि कौन सा क्षेत्र कब बना हुआ है, ठीक है। इसके बाद हम लोगों ने देखा पृथ्वी मध्य प्रदेश का भौगोलिक संरचना, इसमें हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार की रॉक्स पाई जाती हैं, ठीक है, और उनका कालक्रम क्या है, ठीक है, मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में। अब हम लोग देख रहे हैं कि भू प्रॉपर्टी किस प्रकार की पाई जाती है, तो मध्य प्रदेश का जो सबसे आउटर हिस्सा है या क्रस्ट है वो किस चीज़ों से बना है, तो वो इन चीज़ों से मिलकर के बना है, और इसी क्रस्ट पर मिट्टी का निर्माण होता है। तो निश्चित रूप से मिट्टी को प्रभावित करने वाले जो सबसे प्रमुख कारक हैं यही होता है। अगला सेक्शन, एक और सेक्शन बचता है, मध्य प्रदेश की प्रमुख पहाड़ियाँ या ये कह ले पठार, ठीक है, पहाड़ियाँ पठार और पहाड़ियों की श्रेणियाँ जो पाई जाती हैं वो, ठीक है। तो इसको दो तरीके से पढ़ा जा सकता है, या तो हम लोग मध्य प्रदेश के भौतिक विभाजन में पढ़ लेते हैं पठारों के अंतर्गत, या तो पठारों के अंतर्गत पहले पूरी पहाड़ियाँ पढ़ लेते हैं, ठीक है, दोनों में से कोई तरीका अपनाया जा सकता है, दोनों बेस्ट है, ठीक है। अगले सेक्शन में हम लोग यही टॉपिक लेकर आएंगे, धन्यवाद।